हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंजॉय वॉचिंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन क्लीनिंग टिप्स। अपने किचन के वेस्ट को आप बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, ये भी आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो, ये भी हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल। और अगर आप भी रेंटल होम में रहते हो जहाँ पर स्पेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कम जगह में ज़्यादा सामान आप कैसे रख सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे किचन के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप चूल्हे पर काम करते हो, तड़का लगाते हो, तो जितनी भी चिकनाई होती है वो सब कुछ इन स्विच बोर्ड्स पर जाकर चिपक जाती है। तो इसको क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पास वेट वाइप्स हैं तो आप सिंपली एक वेट वाइप लो और इसको हल्के हल्के से क्लीन करना स्टार्ट करो। आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। लुक एट दिस, कि बस ऐसे हल्के से ही मैं इसको रगड़ रही हूँ और इसमें से जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकले जा रही है। तो ये अपने स्विच बोर्ड्स को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है। साथ ही अगर आपके किचन के जो कंटेनर्स हैं उन पर चिकनाई जम गई है तो उनको भी आप बिल्कुल सेम इसी मेथड से क्लीन कर सकते हो। आपको अलग से कोई भी DIY सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास वेट वाइप्स नहीं हैं तो आप एक कॉटन में नेल पेंट रिमूवर लेकर भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हो, वो भी बड़े आसानी से आपके स्विच बोर्ड्स को पुराने से नए जैसा बना सकता है, जैसे कि ये बन गया। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट, अक्सर हम लोग जब घी दानी रखते हैं तो उसके नीचे का सरफेस काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, और अगर आप बिना लाइनर लगाए इसको रखेंगे तो जिस चीज़ पर आपने इसको रखा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो इस चिकनाई को हटाने का तो बेस्ट वे वही सेम है कि आपको वेट वाइप का ही यूज़ करना है, या फिर अगर आपके घर में सैनिटाइज़र है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप घी का कोई भी कंटेनर रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपको उसके नीचे कोई ना कोई लाइनर लगाना होता है, लेकिन आपको लाइनर में पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अक्सर मार्केट से डिटर्जेंट्स वगैरह बाय करते हैं, आटा की थैली बाय करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी होती हैं और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल होता है। तो आप इसको जस्ट क्लीन करके इस तरह से एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो ये ऊपर से वाइट दिखाई देता है, पता भी नहीं चलता है कि आपने कौन सा ओल्ड पैक यूज़ किया है। और इस तरह से आप ज़ीरो कॉस्ट लाइनर्स बनाकर यूज़ कर सकते हो और अपने किचन को गंदा होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी ये गंदे होते हैं तो जस्ट उसको आप हटाइए और फेंक दीजिए। नेक्स्ट स्टेप की, अक्सर हमारे घर में जो मसालों के पैक्स होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर जब हमको ज़रूरत होती है तो वो मैसअप क्रिएट करते हैं और हमको मिल भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी आप ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो। जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें इस टाइप के कार्टन बॉक्स आते हैं, इनको जस्ट आपको इस तरह से फोल्ड करना है एंड अपने सारे के सारे मसालों के कंटेनर्स को कुछ इस तरह से पैक कर देना है। जब भी आप मसाले रखते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि सभी के ऊपर रबर बैंड हो ताकि ये एयर टाइट हो जाएं और इसके अंदर एयर ना जाए। अगर एयर जाएगी तो आपके मसाले जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो। आप चाहें तो इस तरह से पैक भी कर सकते हो इसको, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अब जब भी आपको जो भी मसाला चाहिए वो बहुत ही ईजीली आपको मिल भी जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप कि अपने किचन को क्लीन करने के लिए हमेशा हमें कोई ना कोई किचन टॉवल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आप किचन टॉवल में पैसे वेस्ट करने की बजाय अपने घर की कोई भी ओल्ड टी शर्ट हो आपकी जो आप यूज़ नहीं करते हो या छोटा मोटा छेद हो गया हो तो आप उसको एज अ किचन क्लीनिंग टॉवल यूज़ कर सकते हो। ये जो किचन क्लीनिंग क्लॉथ आप यूज़ करते हो ये रीयूजेबल होते हैं, वॉशेबल होते हैं, तो आपको बार बार पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं। जब भी आप क्लीनिंग कर लेते हो इसको जस्ट वॉश करके फैला दीजिए और अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने किचन को हमेशा क्लीन रख सकते हो। तो नो वेस्ट मनी इन किचन क्लीनिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट स्टेप,
ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लाइक रबर बैंड, ये हम सभी के घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती हैं, और अगर ये हैंडी हो तो इसको यूज़ करना और ढूंढ पाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई पुराना मग पड़ा है जो यूज़ नहीं होता है, तो आप इसको एज आ रबर बैंड कंटेनर यूज़ कर सकते हो, जो इजीली एक्सेसिबल भी हो और आपका एक पुराना सा ओल्ड मग यूज़ भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, इस टाइप की जो जैम की बॉटल्स होती हैं, कुछ लोग जैम ख़त्म होने के बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन यही अगर कांच के जार आप मार्केट से परचेस करने जाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। सो इट ऑलवेज़ बेस्ट कि आप पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करो, ये आपकी मनी भी सेविंग करेंगे और पुरानी चीज़ों को यूज़ करने का नया तरीका भी आपको सिखा देते हैं। इस टाइप के कांच के जार में जो अचार होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो रखे हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लंबे समय तक फ्रेश भी बने रहते हैं। तो इस तरह से आप DIY कंटेनर्स करके भी इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, हम सभी के घर में से छोटे मोटे सामान लाइक ये हैप्पी बर्थडे के टैग्स होते हैं, या फिर जो बच्चों के दूध में स्पून्स निकलती हैं, ये सब एक्स्ट्रा में पड़ी रहती हैं, और इस टाइप की एक्स्ट्रा कंटेनर्स भी हम सभी के घर में होते हैं। तो इन कंटेनर्स को फेंकने की बजाय, जिसमें आपके घर में सब्ज़ी वगैरह आती है, उसको आप छोटे छोटे सामान को भरकर रखने में यूज़ कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कांच की जैम की बॉटल्स होती हैं, उसको आप एज अ वाटर प्लांटर भी अपने किचन में लगाकर डेकोरेट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने किचन की शो को काफ़ी बढ़ा भी सकते हो, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और आपकी पुरानी चीज़ों को यूज़ करने का एक नया तरीका भी बन जाता है। एंड लास्ट स्टेप, इस टाइप के वर्टिकल रैक्स अगर आप परचेस करते हो तो कम जगह में ज़्यादा सामान आप स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए इस टाइप की जो वर्टिकल स्पेस वाली रैक्स होती हैं, इसको अपने किचन में ज़रूर जगह दीजिए ज़्यादा सामान रखने के लिए। आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर पसंद आए हों देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और अमेजिंग टिप्स के साथ। एंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।